अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जमीन जायदाद को लेकर खून ही एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। लालच में झूठे मामले लगाकर जेल भिजवाया जा रहा है। अब पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला गढ़ थाना क्षेत्र के रनगढ़ का है, जहां के रहने वाले राजकुमार सिंह ने शिकायत की है कि पारिवारिक जमीन विवाद उनके छोटे भाई से चल रहा है, जिसके चलते परिवार को लगातार तरह तरह की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वालों में उनके भाई दिनेश सिंह की पत्नी रंजना सिंह, उनके लड़के सच्ची उर्फ जतन उर्फ अनिकेत और अन्य लोग हैं। पीड़ित ने बताया कि विगत दिनों उसके घर में नशीली कफ सिरक रखवा कर फंसाया गया और अब धमकी दी जा रही है कि अभी तो NDPS एक्ट के मामले में फंसाया गया है, आने वाले समय में देखते जाओ क्या होगा। आरोपियों के साजिश से परेशान राजकुमार सिंह ने पुराने मामले के निष्पक्ष जांच के साथ जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित राजकुमार सिंह ने क्या कहा है। राजकुमार सिंह रनगढ़ गए हैं, इसलिए कि हमारे छोटे भाई को गलत क्या बोलते हैं इसके उसको कोरेस है और क्या दवा प्रकार के नाना प्रकार के मदद पदक रख करके वो फंसा दिए हैं। वो भुसौला था, भुसौला के लास्ट कार्नर टाइम पर रखा था ऊपर छत पे, हमारे घर के पास खाली हमारा है। जो छोटा भाई जो विरोध है वही विरोधी वही है, विरोध है जमीनी प्रकरण के कारण वो विरोध कर रहा है। हमारे पिताजी थे वो अपने पोते को कुछ जमीन करवा दिए थे और उसी को लेकर वो विवाद कर रहा है। बहुत नाटक पक्ष बोलता है कि तुमको जीने देंगे और ना जिएंगे ना जीने देंगे, कहते हैं अभी तो उसको फंसाए हैं, पूरे परिवार को फंसा देंगे, पूरे परिवार को नष्ट कर डालेंगे। औपचारिक जो वो हैं धाराएं उस सब में फंसाएंगे वो।